जंग खंदक मुसलमानों और कुरैश के बीच होने वाली तीसरी बड़ी जंग थी जो सन 627 में यानी कि 5 हिजरी में लड़ी गई। इससे पहले दो जंग गजवाए बद्र और गजवाए उहद हो चुकी थी। जिन लोगों ने इससे पहले जंग उहद वाली वीडियो ना देखी हो तो ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर जंग उहद के बारे में जान लें तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जंग खंदक को समझने से पहले जंग उहद के बाद का कुछ मंजर हमें समझना होगा कि आखिर कुरैश ने ये जंग करने की प्लानिंग क्यों की। जंग उहद के बाद सबसे पहले मुसलमानों को सबसे पहला काम यहूदी कबीले बनू नज़ीर और बनू कैनका से अपना इंतकाम लेना था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद किया हुआ था और उन्होंने जंग उहद में कुरैश का साथ देकर गद्दारी की थी। तो सबसे पहले उनका मुआशरा किया गया, उनको मदीने से निकाला गया, कुछ लोग दमिश्क चले गए और कुछ यहूदी लोग खैबर की तरफ जाकर बस गए। इतनी बड़ी गलती के बावजूद उन्हें आम माफ़ी दे दी गई और इजाज़त दे दी गई कि एक ऊँट पर जितना सामान लादकर वो जा सकते हैं चले जाएं। अब सिर्फ मदीना में बनू कुरैज़ा के ही लोग बाकी रह गए थे। अब इतनी बेइज्जती सहने के बाद यहूद आराम से बैठने वाले न थे। अब की बार उन्होंने सोचा कि थोड़े थोड़े करके तो हम जंग नहीं जीत पाएंगे, तो इस बार सबको इकट्ठा करके एक ही बार भरपूर तैयार होकर हमला किया जाए। तो बस यहीं से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। अब यहूदियों के दो सबसे बड़े सरदार कुई बिन अख्तब और सलाम बिन मिसकब कुछ लोगों को साथ लेकर मक्का के लिए निकल पड़े। मक्का में अबू सूफियान का दौर था। अबू सूफियान जंग उहद के बारे में ये सोच रहे थे कि उन्होंने ये जंग जीत ली, लेकिन उन यहूदियों ने उन्हें समझाया कि इसे जंग जीतना नहीं कहते। जंग तो तब जीती जाती है जब आप मदीने पर कब्जा कर लेते और मुसलमानों को ख़त्म कर देते, बल्कि इसका उल्टा मुसलमानों ने तुम्हारा बद्र सुगरा तक ताकुब किया, तुम ही थे जो उल्टे पांव भाग गए और उन्होंने जंग उहद के बाद हमारे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और हमें वहाँ से भागना पड़ा। ये तो जंग का जीतना ना हुआ। यहाँ तक कि जंग के बाद मुसलमानों ने तुमसे अगले साल बद्र में दोबारा जंग करने का चैलेंज भी दिया था, लेकिन कुरैश वहाँ नहीं गए जबकि मुसलमान वहाँ आ चुके थे। तो अब कुरैश सारी दुनिया में बेइज्जत हो चुके हैं। अबू सूफियान को बात समझ आ गई और उन्होंने यहूदियों के साथ लड़ने की पेशकश की और अब की बार एक मुश्त मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग की गई। यहाँ से तुम निकलोगे और खैबर से हम निकलेंगे, यहाँ तक कि बनू गतफान, बनू सुलेम, बनी फुजारा, बनी अहाबीस, इन सब को मिलाकर हमला किया जाए ताकि इस बार मदीने की सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हम मदीने पर काबिज हो जाएं। तो बस अबू सूफियान को मनाने के बाद कोई बिन अख्तब सभी कबीलों के साथ माहदा करने के लिए चल निकले और कुल मिलाकर 10,000 का लश्कर लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। 10,000 का लश्कर एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बद्र में भी सिर्फ 1,000 कुरैश थे और जंग उहद में भी सिर्फ 3,000 की कुरैश मुसलमानों के मुकाबले में थे। खैर, धीरे धीरे ये बात मदीना मुनव्वरा तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि अरब इस तरह की जंग के बारे में नहीं जानते थे जहां चारों तरफ से दुश्मन हमलावर हो, तो ऐसी लड़ाई के लिए वो तैयार न थे। अल्लाह के नबी ने सभी सहाबाओं को मशवरा लेने के लिए इकट्ठा किया और उन्हें यहूदियों की तैयारी के बारे में बताया और उनकी राय मांगी। इसी बीच सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, जो कि फारस के रहने वाले थे और उन्होंने इस तरह की जंग देखी हुई थी जिसमें सिर्फ जंग में डिफेंस करना मकसद हो, ना कि अटैक करने का मकसद हो, उन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया ताकि यहूदियों और कुरैश को मदीना आने से ही रोका जा सके। अब क्योंकि मदीना तीन तरफ से पहले ही पहाड़ों से घिरा हुआ था और इस तरफ से कोई लश्कर हमला नहीं कर सकता था, तो सिर्फ एक ही तरफ खंदक खोदने की जरूरत थी। हुजूर को ये राय बहुत पसंद आई और खंदक खोदने का काम शुरू हुआ। मैप में एक जगह और है जहां मदीना पहाड़ों से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन यहां खंदक इसलिए नहीं खोदी गई क्योंकि यहां बनू कुरैज़ा का कबीला था और इस कबीले के साथ मुसलमानों का मुआहदा तय था कि अगर कोई दुश्मन मुसलमानों से जंग करने आएगा तो बनू कुरैज़ा वाले उन्हें रास्ता नहीं देंगे और ऐसा ही मुसलमानों को बनू कुरैज़ा के लिए करना पड़ेगा, और इसलिए जंगे उहद के बाद भी इन यहूदियों को मदीने से निकाला नहीं गया था। एक और जगह यहाँ थोड़ी सी ऐसी है जहाँ पहाड़ भले ही न हो, लेकिन इस जगह बहुत ज्यादा तादाद में खजूर के पेड़ लगे हुए थे। यहाँ से 10,000 के लश्कर का गुजरकर मदीने जाना मुमकिन न था, इसलिए ये जगह भी खंदक खोदने की जरूरत पेश नहीं आई। खुदाई के लिए 10-10 सहाबाओं का ग्रुप बनाया गया और हर 10 आदमियों के जिम्मे 40 हाथ खंदक की खुदाई का काम आया। खंदक इतनी गहरी खोदी गई कि कोई ऊपर ना चढ़ सके और इतनी चौड़ी थी कि कोई घोड़ा उसे पार ना कर सके।
मैप पर एक नजर डालें तो ये एक छोटी सी पहाड़ी साला आपको दिखाई दे रही होगी। इसी पहाड़ी पर हुजूर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया ताकि अगर कोई खंदक पार करके इस तरफ आ भी जाए तो मुसलमानों को ऊंचाई का फायदा मिल सके। अगर आप आज भी मदीना जाएंगे तो यहाँ की ज्यारत कर सकते हैं। यहाँ पर निशानी के लिए एक मस्जिद बनी हुई। जब तक खुदाई का काम पूरा हुआ, कुरैश का 10,000 का लश्कर मदीने की सरहद पर आ चुका था और मुकाबले में सिर्फ 3,000 ही मुसलमान थे, बल्कि 3,000 भी टोटल मुसलमान नहीं थे, उनमें मुनाफिक भी शामिल थे। मदीने में औरतों और बच्चों को किसी एक जगह इकट्ठा कर दिया गया ताकि उनकी हिफाजत करना आसान हो। उधर अबू सुफियान और यहूदियों के बड़े बड़े सरदार के कैंप उहद की सरहद पर लग चुके थे। 10,000 का इतना बड़ा लश्कर देखकर मुनाफिकों का जंग से मुंह फेरना तय ही था, बल्कि कुछ मुसलमानों के भी पांव उखड़ गए। यहाँ तक कि जंग की सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनके साथ सिर्फ 300 मुसलमान का ही काफिला बाकी रह गया था। दुश्मनों का लश्कर खंदक देखकर कुछ हैरान हुआ और उन्होंने सोचा कि वो इसका तोड़ निकाल लेंगे, लेकिन जब कई दिनों तक इसका हल ना निकल सका तो अबू सुफियान ने उय बिन अख्तब को बनू कुरैज़ा से बात करने के लिए कहा कि वो उन्हें मदीना जाने का रास्ता दे दे और शायद अपना मुहायदा जो मुसलमानों से किया हुआ है वो तोड़ दे। उय बिन अख्तब खुद पहाड़ के पीछे से लंबा चक्कर काट कर बनू कुरैज़ा की बस्ती आया और वहाँ से सरदार काब से मिला और आखिरकार बहुत समझाने के बाद बनू कुरैज़ा को मुहायदा तोड़ने के लिए मना लिया। ये खबर जैसे ही रसूलल्लाह के पास पहुँची तभी आपने साद बिन मुआद और साद बिन उबादा को बनू कुरैज़ा को मनाने के लिए भेजा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अब मुसलमान दोनों तरफ से गिर चुके थे और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच बनू कुरैज़ा ने मदीने का जायजा लेने के लिए एक जासूस भेजा, लेकिन हजरत सफियान ने बहादुरी दिखाते हुए उस जासूस को मार डाला, जिससे फायदा ये हुआ कि बनू कुरैज़ा ने फिलहाल इधर से हमला करने को ठीक ना समझा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस रास्ते पर भी मुसलमान मजबूती से डटे हुए हैं। इधर कुरैश ने परेशान होकर कोशिश की कि किसी तरह आज खंदक को पार करके मुसलमानों से लड़ा जाए। अब क्योंकि कुछ सरदारों के पास बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े थे तो उन्होंने जिस जगह देखा कि यहाँ से खंदक थोड़ी कम चौड़ी है वहाँ से उन्होंने पार करने की कोशिश की, तो अम्र इब्ने इकरमा बिन अबी जहल और नौफल किसी तरह खंदक पार करके उस तरफ चले गए और अम्र इब्ने बुद ने मुसलमानों को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। कोई मुसलमान अम्र इब्ने बुद से लड़ने को तैयार ना हुआ, तब हजरत अली उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत अली सिर्फ 17 साल के ही थे जबकि अम्र इब्ने बुद 80 साल का बहुत ट्रेंड जंगजू था। दोनों के बीच लंबे वक्त तक लड़ाई जारी रही, यहाँ तक कि दोनों धूल मिट्टी में इस तरह लिपट गए कि उनमें से पहचानना मुश्किल था कि कौन हजरत अली हैं और कौन अम्र इब्ने बुद। लेकिन कुछ देर लड़ाई के बाद मिट्टी से आवाज़ आई अल्लाह अकबर, जिससे कि मुसलमानों ने जान लिया कि हजरत अली ये लड़ाई जीत चुके हैं। बाकी दो सरदार वहाँ से भागने लगे, लेकिन जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु ने नौफल को मार गिराया, लेकिन इकरमा बिन अबी जहल भाग निकले क्योंकि आगे जाकर उनके मुकद्दर में इस्लाम लिखा था। यह अबू सुफियान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था और उन्होंने इस बार एक साथ मिलकर खंदक की तरफ से हमला करने का इरादा किया। उन्होंने सुबह होते ही हमला शुरू किया। मुसलमान इसके लिए खंदक के उस पार उन्हें रोकने के लिए तैयार थे। ये भिड़ंत सुबह से शाम तक इतनी लंबी चली कि फजर से लेकर ज़ोहर असर मगरिब तक का वक्त हो गया और ये पहला ऐसा दिन था कि रसूलल्लाह की ये नमाजें कज़ा हो गई और कोई सहाबी भी ज़ोहर असर मगरिब की नमाज ना पढ़ सका। यहाँ तक कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि सूरज डूब रहा था और मैं इशारों से असर की नमाज पढ़ रहा था। मगरिब के बाद जब जंग थमी तो सभी ने अपनी नमाज तरतीब के साथ पूरी की। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी और मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की मदद का इंतज़ार था, यहाँ तक कि कुरान की ये आयत उसी दौरान नाजिल हुई। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी, देखो अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। इसी रात काफिरों के लश्कर से एक आदमी नाइम बिन मसूद अंधेरे में छिपते छिपाते रसूलल्लाह के सामने हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे वक्त में उनका इस्लाम लाना किसी मोजज़े से कम ना था और ये वो आदमी थे जिन्होंने पूरी जंग खंदक के माहौल को उलट कर रख दिया।
उन्होंने कहा कि मेरे इस्लाम लाने का किसी को अभी इल्म नहीं है और मेरे पास एक प्लान है, मैं कल तक आपको एक अच्छी खबर के साथ मिलूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बुरे वक्त में ऐसा क्या हो सकता है कि जंग का माहौल पलट जाए, लेकिन मुसलमानों के पास उम्मीद करने के सिवा और कोई चारा न था। नईम इब्ने मसूद सबसे पहले बनू कुरज़ा के सरदार काब बिन मालिक के पास गए और उसे कहा कि मैं इतनी रात को सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कुरैश इन 45 दिन की लड़ाई से बहुत परेशान हो चुके हैं और उन्होंने मैदान छोड़ने का इरादा कर लिया है, और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो अबू सुफियान से कहो कि अपने 10 सरदार तुम्हारे पास भेज दे ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि वो भागेंगे नहीं, और अगर अबू सुफियान 10 आदमी ना भेजे तो समझ जाना कि कुरैश भागने वाले हैं। इसके बाद नईम इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान के पास पहुँचे और कहा कि बनू कुरैज़ा डर चुके हैं और लड़ाई से पीछे हट रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों से मुआहदा दोबारा कर लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों से वादा किया है कि वो हमारे 10 सरदारों को अपने पास बुलाकर उनका सर मुसलमानों को पेश करेंगे ताकि मुसलमानों को ये यकीन हो जाए कि बनू कुरैज़ा अब उनके साथ, यकीन ना आए तो देख लेना सुबह बनू कुरैज़ा के आदमी हमारे 10 सरदारों को लेने आने वाले हैं। और सुबह हुआ भी ऐसा ही, अबू सुफियान ने अपना आदमी बनू कुरैज़ा के पास भेजा और बनू कुरैज़ा ने 10 सरदारों की डिमांड की और इससे उनकी बात आपस में बिगड़ गई। नईम इब्ने मसूद ने हुजूर के पास आकर ये सब खबर आपको दी। अब मुसलमान कम से कम इस बात से तो बेफिक्र हुए कि हमला दोनों तरफ से नहीं होगा। मौसम भी बिगड़ता जा रहा था। इस रात के बारे में हदीस में आता है कि इस रात चार चीज़ें जमा हो गईं, सर्दी भी सख्त, डर भी सख्त, हवा भी सख्त और अंधेरा भी सख्त। इसी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को कुरैश का हाल जानने के लिए जासूस बनाकर खंदक के उस पार भेजा ताकि पता चल सके कि कुरैश अब क्या कदम उठाने वाले हैं। वहां जाकर पता चला कि अबू सुफियान और सभी सरदार मिलकर मैदान छोड़ने की तैयारी करने में हैं। ये खबर हुज़ैफ़ा ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और सुबह उठकर जब मुसलमानों ने देखा तो कुरैश रातों रात मैदान खाली कर चुके थे। उनसे रात की वो आंधी बर्दाश्त ना हो सकी थी। उस आंधी ने उनके बर्तन उड़ा दिए, उस आंधी ने उनके खेमों में आग लगा दी। इसी मंजर को बयान करने के लिए ये आयत नाजिल हुई। मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं, तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे। इसी के साथ हुजूर ने यह भी फरमाया कि आज के बाद कुरैश हमसे लड़ने कभी नहीं आएंगे, बल्कि आज के बाद जंग की पहल हमारी तरफ से होगी। अब मुसलमान भी इत्मीनान से मदीने वापस लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और अपनी कज़ा नमाज तरतीब के साथ अदा की। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, प्यार रसूलल्लाह, मुसलमानों ने भले ही जिरह उतार दी हो लेकिन फरिश्तों ने अभी तक जंग का लिबास नहीं उतारा है। इसका मतलब ये था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी और बनू कुरैज़ा ने जो धोखा मुसलमानों से मुआहदा तोड़कर और कुरैश के साथ मिलकर दिया था उसका बदला लेना अभी बाकी था। उसके बाद की कहानी सब्सक्राइब।